नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे 29 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात पंचांग की। विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है सिद्ध और करण है वाणिज्य। अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो पौष मास की पुत्रदा एकादशी आज की तिथि है, तो ये बहुत ही विशेष होती है अपने आप में। पुत्रदा एकादशी से संबंधित बहुत सारे उपाय मैंने अपने YouTube के उपाय में, वीडियोज़ में और TV शोज़ में पहले बता रखे हैं, वो आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये तो बात रही पंचांग की, अब हम लोग चर्चा करेंगे राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपने स्वास्थ्य और अपनी फिटनेस का ध्यान देना चाहिए। कार्यक्षेत्र में उत्साह विश्वास बनाए रखें, अपने खर्च में अनावश्यक वृद्धि ना होने दें। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी आप मत दिखाइए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको जीतोड़ प्रयास करना होगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। पार्टनर के साथ वाद विवाद या झगड़ा आप ना बढ़ाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में हो सकते हैं। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और वही काम करें जिसमें आपकी खुशी निहित है। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। कार्य की अनदेखी आप न करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज कुटुंब परिवार में भाई बहन बंधु बांधव से तनाव संभावित दिखाई देता है। खर्च की स्थिति बहुत अधिक आज रहने वाली है, तो उससे आपको बचना चाहिए, खर्चों में कटौती करिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको काम करना होगा। आज का दिन जो है बहुत ही भ्रमित करने वाला, बहुत थकान भरा होने वाला है, काम का तनाव और दबाव बहुत होगा, तो स्ट्रेस बहुत कम से कम लीजिए और वही काम सबसे पहले शुरू करें जिस काम को करने में आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं और जिसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। कन्या राशि। परिवार में जो अनबन चली आ रही थी, आज उसे दूर करने का दिन है। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। आज ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तुला राशि। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचें, फिर चाहे वो वाद विवाद घर का हो या बाहर का किसी दूसरे का हो, उससे आपको बचना चाहिए। आर्थिक मामलों में कुछ विलंब हो सकता है, उससे आप चिंतित और परेशान ना हो। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। भाई बंधु के वाद विवाद से आप बचिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए। इस चुनौती को आपको दिल और दिमाग दोनों तरीके से डील करना है, तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आज हो सकती है। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान गणपति की आपको कृपा मिलेगी। निवेश इस दौरान आपको नहीं करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सचेत रहना है। कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने का प्रयास कर सकता है, आपको धोखा देने के फिराक में होगा, तो थोड़ा सूझबूझ दिखाइए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। किसी गरीब व्यक्ति की या उसकी परिस्थिति का आप अपमान न करें। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गणों के साथ वाद विवाद ना हो। आज आपको ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव, ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपनी रखनी चाहिए। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। क्रोध करने से आज आप बचें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी काल्पनिक दुनिया की सैर से निकल करके वास्तविक जीवन में आना होगा। जो आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चीज़ें प्लान करते रहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आप धरातल पर आइए और जो वास्तविक जीवन है उसका सामना करिए। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। किसी की निंदा आप न करें। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो लंबे समय तक आपको प्रभावित करेगा और ये बदलाव जो है हर मायने में आपके लिए शुभ होगा।
तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। अपने उत्साह में आप कमी ना होने दें। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हमने जाना कि दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ है तो मूल के बारे में लोग बहुत गलत धारणा मानते हैं कि मूल का जन्म है ये तो बहुत ही अशुभ है, ये तो बहुत ही अपशगुन वाला है, इस के तो पांव अच्छे नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि मूल का सारा प्रभाव ही खराब है। मूल के जन्मे लोग भाग्यशाली भी बहुत होते हैं। तो शास्त्रों में मूल से संबंधित क्या वर्णन मिलता है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत अश्विनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र को रखा गया है। अगर बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो तब 1 महीने के अंदर जब भी वो वही नक्षत्र लौट करके आए, मूलतः अमूमन 27 दिन में एक नक्षत्र की वो एक परिक्रमा पूरी होती है, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। अगर हम अविजित को भी जोड़ते हैं तो 28 हो जाता है। तो जो नक्षत्र आज है, चंद्रमा 1 सवा दिन में वो पूरी 27 नक्षत्र की परिक्रमा करता है। तो अमूमन ऑन एन एवरेज 27वें दिन जो है वो नक्षत्र पुनः एक बार घूम करके आता है। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में उस पूजा को 27ा की पूजा भी, यानी 27वें दिन की जाने वाली पूजा भी कहते हैं। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि अगर इन नक्षत्रों में से, फिर से एक बार सुन लीजिए कौन कौन से हैं, अश्विनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये इनमें से अगर कोई नक्षत्र में जन्म लेता है तो जन्म के 27वें दिन वो पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। और अगर 27वें दिन आप नहीं कर पाते हैं तो 27वें महीने में या फिर जन्म के 27वें वर्ष के अंदर अंदर मूल की शांति होती है, ऐसा नियम है। इससे क्या होता है कि जो मूल का अशुभ परिणाम है वो प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, कुछ आजकल ज्योतिषियों का ये विचार है कि 27ा की पूजा करानी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में ये विधान ऋषि मुनियों ने पुराने समय से बनाया है। अभी कुछ नए ज्योतिषी लोग आए हैं, कुछ क्लाइंट मेरे पास आए, उनके बच्चे जो थे वो मूल में हुए थे, तो उन्होंने, ज्योतिषी महाराज ने बोल दिया कि मूल की शांति कराने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, जो शास्त्रों का नियम है, देखिए हम लोग शास्त्र के विरुद्ध तो जा नहीं सकते, जो नियम है उसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। शतपथ ब्रह्मांड और तैत्रीय ब्रह्मांड नामक ग्रंथ में बताया गया है कि कुछ स्थितियों में मूल का दोष जो है ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मूल को अलग दृष्टि से मत देखिए कि ये तो मूल में जन्मा है, ये अशुभ है, या इसके पांव ठीक नहीं है, ये माता पिता के लिए कष्टकारी है, ऐसा नहीं होता। उसकी शांति कर देने से उस बच्चे के लिए शुभता और बढ़ जाती है। और मूल का अगर कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई दोष भी रह जाता है तो वो ठीक हो जाता है, और वो बच्चा बाकी बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा भाग्यशाली होता है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में, मैंने आपको अपने धर्मशास्त्रों के नाम भी, प्रमाण भी दे दिए कि ये उसका रेफरेंस है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। व्यक्ति का जन्म अगर वृषभ, सिंह, वृश्चिक अथवा कुंभ लग्न में हो तब मूल नक्षत्र में जन्म होने पर इसका अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने पर भी अगर लड़के का जन्म रात में और लड़की का जन्म दिन में हो तब मूल नक्षत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गंडमूल नक्षत्र मघा के चौथे चरण में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही धनवान और भाग्यशाली होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में, अश्लेषा के चौथे चरण में, मघा एवं मूल के पहले चरण में एवं ज्येष्ठा के चौथे चरण में अगर हुआ है तब मूल नक्षत्र बहुत ज़्यादा हानिकारक माना गया है। बच्चे का जन्म अगर मंगलवार अथवा शनिवार के दिन हुआ है तो इसके अशुभ प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो मूल का प्रभाव वो तब और बढ़ जाता है जब बच्चा मंगल या शनि के दिवस में पैदा हो, क्योंकि वो ग्रह तो खुद अपने आप में क्रूर हैं, तो उन नक्षत्रों की क्रूरता जो है वो और बढ़ जाती है।
तो इसके प्रमाण हैं कि किन परिस्थितियों में मूल का प्रभाव खराब मिलता है और किन परिस्थितियों में मूल का प्रभाव शुभ मिलता है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में मूल की शांति आवश्यक है। ऐसी गलती आप न करें कि अरे ये तो प्रभाव शुभ प्रभाव वाले मूल के उसमें हुआ है तो इसकी शांति ना कराएं, ऐसा नहीं है। ये वर्णन शास्त्रीय है। हम लोग कोई भी चीज़ अपने से जोड़ते नहीं हैं, हम लोग इतने बड़े रिसर्चर नहीं, इतने बड़े टैलेंटेड विद्वान नहीं हैं कि शास्त्रों में ऋषि मुनियों की चीज़ों को, लिखी हुई चीज़ों को हम लोग कहीं से एडिट कर सकें या उसमें आगे पीछे कोई बदलाव कर सकें। ऐसा हम लोगों को पाप करना भी नहीं चाहिए। ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी बताया अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, उसका हम लोगों को शब्द शब्द अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो किसी भी परिस्थिति में मूल का जो नियम है वो पालन करिए। दोनों ही परिस्थिति में अगर शुभ है तो और शुभ हो जाएगा, और अगर अशुभ परिस्थिति बन रही है तो भी आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। और मूल में जन्मे जातक जो होते हैं वो वाकई में बहुत टैलेंटेड, बहुत विद्वान और बहुत सुयोग्य होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव। नमस्कार।